जी नमस्कार, एक बड़ा हार्दिक अभिनंदन, भारत माता की जय। मिश्रा सर, ये जो रुमटेक मोनेस्ट्री, मतलब रुमटेक इस जगह का नाम है। अगर हम लोग मठ के बारे में बात करें ना, तो ये धर्म चक्र सेंटर के नाम से जाने जाते हैं। और ये जो है नया वाला रुमटेक तिब्बती मठ है सर जी। यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर पर ये पुराना वाला रुमटेक मठ भी है। उसी प्रकार का मतलब कहते हैं कि इस नया वाला रुमटेक मठ यहाँ पर बनाने से पहले मतलब एक झील भी था मम्मी जी। तो इस मठ को यहाँ पर बनाने के लिए मतलब इस मठ को बनवाया था परन पावक 16वीं विक्रमा पलामा जी ने 7 साल पहले। यानी कि मेरे कहने का तात्पर्य कि 1961 में इस मठ को यहाँ पर बनवाया। तो लीजिए 60 के समय सिक्किम हमारे भारत कैसा नहीं हुआ था। तो इस मठ को यहाँ पर बनाने के लिए उस समय की सिक्किम की महाराजा अथवा हमारे भारत का पहला प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक सहयोग दिया। तो यहाँ का जो प्रमुख त्यौहार अथवा फेस्टिवल, यहाँ पर ये भिक्षु लोगों का नृत्य होता है जो लोग मुकुट पहन के करते हैं। लेकिन ये कि सर जी, ये लोगों का अपना नृत्य करने से पहले 7वें दिन तक पूजा करना होता है जो कि अनिवार्य है। उसी प्रकार का अगर हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में बात करें ना, शायद आप लोगों को पता होगा वो 2 भाग में विभाजन है। जो तिब्बती अर्थात महायान बुद्धिज्म के नाम से जाने जाते हैं, उसी प्रकार का दूसरा हीनायाना अथवा तेरावादा बुद्धिज्म के नाम से जाने जाते। तो इन दोनों में अंतर उसी प्रकार का है जिस प्रकार के होते हैं ना जैन धर्म में श्वेतांबर अथवा दिगंबर की तरह। लीजिए, ये जो तिब्बतन बुद्धिज्म है इसमें विशेषकर मूर्ति पूजा होता है और इसमें महात्मा बुद्ध को गुरु का उपाधि देते हैं। और ये जो महायान बुद्धिज्म है वो 4 भाग में विभाजन है सर। उस 4 में से एक ये है जो काग्यू पंक्ति के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया भर में इस काग्यू पंक्ति का मठ 400 से भी ज़्यादा, लेकिन सबसे बड़ा आई मीन ये रुमटेक है। इसके कारण से रुमटेक को दुनिया का सबसे बड़ा मठ में से एक कहते हैं। उसी प्रकार का ये रुमटेक जो है ना दुनिया का पहला रिफ्यूजी मठ भी है। तो आई मीन रिफ्यूजीज आर रिफरिंग द पीपल हु केम फ्रॉम टिबेट, ओके। और इसी प्रकार का लीजिए, इस मठ में यहाँ पर तकरीबन 300 के आसपास भिक्षु है और सबसे छोटा मेरे ख्याल से 6-7 साल का होगा। और उसी में से 30% भिक्षु यहाँ पर आई मीन दे आर फ्रॉम नॉन बुद्धिस्ट फैमिली। ऐसा है ना, भिक्षु कोई भी बन सकते सर। और जो जो 15 साल का नीचे का है उन लोगों को आई मीन यहाँ पर मोनेस्ट्री प्रोवाइड नॉर्मल एजुकेशन ऑल्सो। मतलब ये है कि कोई बीच में छोड़ के भी जाते हैं सो देर कैन डू फर्दर स्टडीज। सो हेयर और देयर आई मीन बुद्धिज्म सिंपली और ऑल रिलीजन सिंपली टीचेस टू बी अ गुड ह्यूमन बींग। ओके, सो सम मोर थिंग, वी गो समवेयर देयर वेयर आई विल टेल। सिक्किम हमारे भारत का 22वां राज्य बना था सन 1975 में। यहाँ पर विशेष 3 जातियाँ के लोग रहते, लेपचा, दूसरा भुटिया और तीसरा निपली। और यहाँ का जो जनसंख्या है तकरीबन 6.5 लाख के आसपास है। और आप लोगों को पता है हमारे सिक्किम से लोकसभा था और राज्यसभा के लिए एक ही सीट है। और दूसरी बात, यहाँ अगर हम लोग सिक्किम में 4 कंट्रीज़ के लोगों को अलाउड नहीं करते सर। दे आर नाइजेरियंस को सिक्किम में अलाउड नहीं करते, दूसरा आपका बर्मीज़ का अलाउड नहीं करते बाबू जी, तीसरा बर्मीज, तीसरा आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना और चौथा पाकिस्तानी। मतलब जिस किसके पास भी ये 4 कंट्री का पासपोर्ट होगा उसको सिक्किम में अलाउड नहीं करते। और एक और बात, अगर हम लोग पर कैपिटल GDP के बारे में बात करें ना, तो सिक्किम रैंक 2nd ओनली आफ्टर गोवा। और यहाँ का लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट बोले तो 86-87% है। Your good name? Nishan. Pushparag. हम लोग जो तिब्बतन बुद्धिज्म है ना अथवा महायान बुद्धिज्म में, इसमें मैंने क्या कहा था कि हम लोग महात्मा बुद्ध को वी कंसिडर टीचर गुरु। तो महात्मा बुद्ध ने स्वयं कहा था, शायद आप लोगों को पता ही होगा, कि जो भी मैं आप लोगों को टीचिंग दूंगा उसको आँख बन के विश्वास मत करो, पहले उसको अध्ययन करो, उसके बाद अगर आपको सही लगे तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो लीव इट, यू नो। इसके कारण से तिब्बतन बुद्धिज्म में है ना सर, नरेंद्र सर, ऐसा है कि क्वेश्चनिंग एब्सोल्युटली अलाउड। कोई भी टीचिंग दे रहा है, चाहे दलाई लामा हो, करमापा लामा हो, अगर आपको मतलब कुछ डाउट हो तो आप खड़े होके उसके ऊपर क्या बोलते हैं डिबेट कर सकते हो सर। क्वेश्चनिंग इज एब्सोल्युटली अलाउड इन तिब्बतन बुद्धिज्म। एक और बात, तिब्बतन बुद्धिज्म में 3 बड़े प्रमुख गुरु है। एक तो स्वयं दलाई लामा जी हुआ, दूसरा करमापा लामा और तीसरा पंचन लामा। एक और बात, कोई भी गुरु दीक्षा देने से पहले, अभिषेक देने से पहले वो गुरु को भी किसी से लेना होता है, तभी दूसरे को दे सकते हैं।
आप कम मुस्कुराते हैं एक क्वेश्चन है, ये चार कंट्री के लोगों को यहाँ एंट्री क्यों नहीं है? ओरी बाबा, तो नाइजीरियन मेरे ख्याल से ड्रग्स ट्रैफिकिंग की वजह से होगा, और बर्मीज मेरे ख्याल से रोहिंग्या के कारण से होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, यू नो। और तीसरा आपका रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसका कोई भरोसा नहीं। और चौथा पाकिस्तानी तो ठीक ही है ना, ठीक है। मैंने कहा खाली 60 साल पुराना माटी है, लेकिन ये जो पंक्ति है ये कागयू पंक्ति, ये 900 साल पुराना पंक्ति है। यस, और भिक्षु लोग यहीं पर बैठ के जिसका हम लोग बोलते हैं ना चांटिंग, प्रेयर करते हैं। और ये जो चांटिंग जो होता है ना नरेंद्र सर, वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक जिसका हम लोग बोलते हैं सूत्रा चांटिंग, और दूसरा जिसका हम लोग बोलते हैं रिचुअल चांटिंग। मतलब सूत्रा चांटिंग अनिवार्य है। तो मेरे कहने का तात्पर्य एक ही, सूत्रा चांटिंग ज़्यादातर रोज सुबह होते हैं, जिसमें भिक्षु लोगों को ध्यान वगैरह करना था, फिर इसमें लोग मंत्र वगैरह जाप करते हैं। और जो रिचुअल चांटिंग जो होते हैं इसमें भजन कीर्तन आरती हवन वगैरह होता है। एक और बात देखिए, अब सवाल है कि बौद्धिस्ट लोग ये ध्यान क्यों करते हैं, मंत्र वगैरह क्यों जाप करते हैं, अथवा परिक्रमा, इसका क्या महत्व है? मतलब लीजिए, बौद्धिस्ट लोग ये सब करते हैं उसका हम लोग बोलते हैं ना पुण्य कमाने के लिए, पुण्य सरल भाषा में। ये लोग कर्म पर विश्वास करते हैं, ये लोग क्या कहते हैं कि जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी बार बार हम इस पृथ्वी में आते रहेंगे, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा पुण्य का काम करें, हालांकि हमें मोक्ष ही प्राप्त ना हो, देन हमारा अगला जन्म जो होगा इस जन्म से बेहतर होगा। आई मीन दिस इज द मेन फिलोसॉफी ऑफ बुद्धिज्म। इसका अर्थ है कि अगर हम लोग इस जन्म में थोड़ा पुण्य का काम करेंगे, हालांकि हमें मोक्ष ही प्राप्त ना हो, बी श्योर कि अगला जन्म पाकिस्तान में नहीं होगा। ग्रंथ पर आएगा सर, ये तकरीबन 650-700 साल पुराना ग्रंथ है, इसको हम लोग संस्कृत में सूत्र कहते हैं। मतलब सूत्र में क्या होता है कि वहाँ पर महात्मा बुद्ध का प्रवचन होते हैं। कौन सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है? तिब्बती में सर, तिब्बती में। और ये सब ताल पत्र के ऊपर लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को पता होगा, उसमें दीमक कीड़े मकोड़े इत्यादि नहीं लगते, नंबर वन। और साल में एक बार खास करके बुद्धि पूर्णिमा के दिन में ग्रंथ को बाहर निकाल के पहले ग्रंथ के ऊपर प्राण प्रतिष्ठा होता है। मतलब बौद्ध धर्म में भी लीजिए प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रतिक्रिया है वो अनिवार्य है। एक और बात, जहाँ पर वो दलाई लामा जी का तस्वीर है, और बाजू में वो 16वीं करमापा जी का है, मतलब जिन्होंने इस मठ को बनाया था, यानी कि 1981 में 16वीं करमापा लामा जी का देहांत हुआ था। और ये जो यहाँ पर 3D तस्वीर है, ये अभी का 17वीं करमापा लामा जी का है। लीजिए, करमापा माने कर्म माने क्रिया, पा माने धारक। और एक और बात, ये 16वीं करमापा और 17वीं करमापा दे आर नॉट द रिलेटिव्स, लेट मी क्लियर। सो 17वीं करमापा लामा जी को मतलब पहचाना गया था, रिकॉग्नाइज किया था, इसके आगे की जिन्होंने इस मठ को बनाया था, मतलब अपने ध्यान से पहले लिख के गई थी कि उसका पुण्य जन्म कहाँ होगा। यस, अवेलेबल ऑन गूगल, हाँ, कितना भाई बहन हो गए इत्यादि। तो मेरे कहने का तात्पर्य इसका ये कि कागयू पंक्ति में सबसे बड़ा करमापा है, तो करमापा खुद ही लिख के जाता है उसको पुनर्जन्म कहाँ अथवा कब होता है। 900 साल का इतिहास भी यही कहते हैं। एक और बात, हम लोग महात्मा बुद्ध को तो पूछते ही पूछते हैं, आई मीन नो डाउट सबसे ऊपर गौतम बुद्ध है, लेकिन हम लोग गुरु को भी उतना ही पूछते हैं। कारण है कि सर जी, अगर हम लोग गुरु को पूजेंगे तो गुरु ही हमें दिखाएगा भगवान कौन सा अथवा धर्म का रास्ता कौन सा है। तो हमारे हिंदू धर्म में नहीं बल्कि बौद्ध धर्म में भी गुरु का अलग सा महत्व है, अगर गुरु आश्रम की तरह ना होता। अपने अभी जो बोला, मतलब जो गुरु होता है वो लिख के जाता है कि मेरा पुनर्जन्म कहाँ पे होने वाला है, किस घर में कितना है। यस सर, सेम थिंग गोज विद दलाई लामा का भी ऐसा। इन द केस ऑफ दलाई लामा, सो नाइस ऑफ दिस जेंटलमैन, इन द केस ऑफ दलाई लामा, मतलब दलाई लामा जी में अभी रिसेंटली इन वन इंटरव्यू विद दलाई लामा हिमसेल्फ सेड कि व्हेन द टाइम विल कम आई विल गिव सम हिंट व्हाट द दलाई लामा सेड। लेकिन खाली एक लिख के जाने का सिस्टम ये कागयू लिनेज में ही है, एंड ये 900 साल पुराना पंक्ति है। मतलब कुछ तो ऑफिस पुनर्जन्म लेते हैं, जो दलाई लामा है एक ही आत्मा है जो कंटिन्यू ट्रांसफर होते होते यहाँ तक ऐसा पढ़ा था। सो नाइस ऑफ यू, थैंक गॉड जन्म यहाँ पर नहीं हुआ, नहीं तो मुझे कहीं और जाना होता। सो यस, इन द केस ऑफ दलाई लामा, वंस अगेन, मतलब दलाई लामा का अपना कुछ मतलब अलग सा सिस्टम है, खाली आई एम टॉकिंग अबाउट कागयू ओनली। तो कागयू में कि जो पहला वाला करमापा है वो जो होने वाला सक्सेसर के बारे में लिख के जाते हैं, उसी प्रकार का यहाँ पर गौतम बुद्ध का स्टैचू, मतलब कोई भी बोल सकते कि गौतम बुद्ध का स्टैचू है, लेकिन हमें हमेशा उसका जो मुद्रा होता है ना, मुद्रा के बारे में बताना अनिवार्य है बापूजी, जो 5 प्रकार का होता है। यहाँ पर जो गौतम बुद्ध का स्टैचू है ये भूमिस्पर्श मुद्रा में, एज यू कैन सी, दाहिने हाथ धरती की तरफ है। और कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने
मोक्ष प्राप्त करने से एक रात पहले क्या कहा था कि अब मैं मोक्ष प्राप्त करने वाला, तो बाद में मेरा साक्षी ये पवित्र धरती होगा। उसी प्रकार का पांच मुद्रा में से सर भूमि स्पर्श अंतिम मुद्रा भी इधर से आई पता। और यहाँ पर सब मिला के देर आर 1000 1000 स्टैचूज है महात्मा बुद्ध का, जो हमें रिमाइंड करते हैं, जो हमें कहते हैं कि भविष्य में, मतलब इस अलग अलग युग में, डिफरेंट एरा, अलग अलग युग में इस पृथ्वी में 1000 तक बुद्ध आएगा। जो अगला होगा वो मैत्रेयन बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। मतलब ये सिद्धार्था को तिब्बतन बुद्धिज्म में चौथा बुद्ध कहते हैं, अथवा कलयुग का बुद्ध। तो कलयुग के बाद जो पांचवा होगा वो मैत्रेयन बुद्ध के नाम से जाना जाएगा। तब सवाल है कि अगर सिद्धार्था चौथा है तो पहले तीन कौन था? तो हम लोग उदाहरण लेते हैं हिंदू धर्म का, सत्ययुग, द्वापर युग, तृतीय युग, उसका हम लोग बोलते हैं ना कलयुग। तो उसी प्रकार का हमारा भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी अलग अलग युग में आए थे एज फार एज हिंदुज्म इज कंसर्न। सो द नेम ऑफ प्रीवियस थ्री बुद्धा अवेलेबल ऑन गूगल, दे वेर नंबर वन वॉज द खर्वजित, सेकेंड वन वॉज द सेरथुप, थर्ड वन वॉज द हुसैर, एंड द फोर्थ इज सिद्धार्थ। अब अभी खाली हम लोगों को यही पता है सिद्धार्थ के बारे में, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट प्रीवियस बुद्धा। मतलब ये सिद्धार्थ का एरा है। उसी प्रकार का देखिए, आई हैव अ 10 इयर्स ओल्ड सन, ही ओनली नो विराट कोहली, ही डोंट नो सुनील गावस्कर एंड डॉन ब्रैडमैन। पहले था और यहाँ पर अगले महीने, मतलब इस महीने के अंत से एक बड़ा पूजा होने वाला है, बड़ा, जो दो साल में एक ही बार होते हैं। तो उसी का यहाँ तैयारी चल रहा है। मतलब जो 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 पूजा होगा इसमें क्या होता है कि तगड़ा 7 दिन का होता है नारायण सर जी। तो ये 7 दिन तक जो भी यहाँ पर विजिटर्स आएंगे, इन लोगों को डायरेक्ट आने की अनुमति नहीं होते। इन लोगों को पहले अमृत पीना होता है, शरीर का शुद्धिकरण करके ही अंदर आ सकते हैं। मतलब ये है कि इसमें यू आर नॉट कन्वर्टिंग योर रिलीजन, यू आर जस्ट प्यूरिफाइंग योर बॉडी, दैट्स इट। तो इसी प्रकार कर लीजिए, आप लोग जिस किसी भी मठ में जाएंगे वहाँ पर आप लोगों को बाउल अथवा कटोरी के अंदर जल दिखाई देंगे, और हमेशा 7 होते हैं। वहाँ पर भी पड़ा है 7 कटोरे में जो जल अर्पण किया हुआ है। तो पहला जल वो पीने के लिए, दूसरा नहाने के लिए, तीसरा फ्लावर फूल, चौथा अगरबत्ती, पांचवा दिया, छठवा खुशबू अथवा सातवा भोजन। तो इसको हम लोग संस्कृत में इस प्रकार से कहते हैं, अर्गम पांदे पीपे धूपे अलोके गांधे नैवेद्य, यानी कि नरेंद्र सर हमें ऑर्डर की तरह कहना होता है। और मैंने संस्कृत में क्यों कहा कि जो टिबेटन बुद्धिज्म है उसमें सब कुछ संस्कृत से लिया हुआ। और एक और बात, कभी कभी बहुत सारे विजिटर्स यू नो मुझे सवाल वगैरह भी करते हैं कि हम लोग ये जल पानी क्यों अर्पण करते, वो सब चीज़ क्यों नहीं अर्पण करते। तो कहते हैं कि तकरीबन 10वीं 11वीं शताब्दी के बीच में ब्रदर एक बड़े महात्मा ने क्या कहा था कि अगर पूरे श्रद्धा से खाली साफ जल ही अर्पण करोगे उतना ही काफ़ी है, क्योंकि जो धनी व्यक्ति रोज उस चीज़ को अर्पण कर सके, लेकिन जो गरीब व्यक्ति उसके पास आज ये कल नहीं है। विश्वराज जी, वन मोर थिंग, अभी एक और ऊपर में एक जगह और है, गोल्डन स्तूप है, अगर आप लोग जाना चाहे तो मैं आप लोगों को वहाँ पर भी लेके जाऊँगा। अनदर इम्पोर्टेंट प्लेस इंडीड, सो थोड़ा चराइए, नो प्रॉब्लम, आइए आप लोग घंटा खट्टा है, आइए। बिफोर स्टार्टिंग वॉकिंग अप, देखिए अंदर जो मठ है जहाँ पर खाली पूजा पार्टी होते हैं, आई मीन रिचुअल्स ही होते हैं, ये यूनिवर्सिटी है, लेकिन अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो है गोल्डन स्तूप। तो यह यूनिवर्सिटी में यहाँ पर दर्शन शास्त्र का पढ़ाई होती है, फिलोसफी, और यहाँ का जो दर्शन शास्त्र का जो पढ़ाई होता है वो कोर्स 13 साल का होता है। तो 13 साल पढ़ाई खत्म करने के बाद अगर हर एक साल पास हुआ तो है ना आचार्य का डिग्री प्राप्त होता है, इक्विवेलेंट होता है एमए। और एक बार डिग्री प्राप्त होने के बाद 5-6 साल सेवा करना अनिवार्य है। और ये हमारा संस्कृत संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वानरस से मान्यता पाई। हजुर म्याम आउनुहोस्, थ्याङ्क यू ला। ऐसा है कि मैं क्यों चाहता हूँ जो भी हो, मतलब विजिट से, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस। मतलब देखिए विजिटर्स यहाँ पर आते हैं, खास करके बौद्धिस्ट लोग दूसरे जगहों से अथवा दूसरे देशों से यहाँ पर स्तूप में आते हैं, एक तो ध्यान करने के लिए, मंत्र वगैरह जाप करने के लिए, या फिर प्रार्थना वगैरह अर्पण करने के लिए। तो ये पीछे देख सकते हैं यही गोल्डन स्तूप है जिसके बारे में मैं आप लोगों को नीचे में अथवा ऊपर आते समय कह रहा था। तो इस स्तूप के अंदर ये 16वीं कर्मापद जी का अस्थि रखा हुआ है जिन्होंने इस मठ को बनाया था, यानी कि स्तूप एक समाधि की तरह है। लेकिन इस स्तूप के अंदर 16वीं कर्मापद जी के अस्थि के साथ क्या हुआ था कि जब देहांत हुआ था अथवा जब शरीर को जलाए गए थे, तो उस समय शरीर का 3 अंग, आँख, जीव, दिल, जो बिल्कुल ही नहीं जला था, वो भी स्तूप के अंदर रखा हुआ है निशान सर। तो हर एक स्तूप का बनाने का उद्देश्य वो होता है सुख शांति लाना,
स्तूप का स्थापना वो दर्शाते गौतम बुद्ध के 8 स्तंभों को, और हर एक स्तूप के ऊपर में सूरज और चांद होते, वो मतलब ज्ञान का प्रतीक है। और ये दोनों तरफ करमापा जी के 1 से लेकर 16 तक की स्टैचूज, और अभी का 17वीं करमापा लामा जी का। तो जो टिबेटन बुद्धिज्म में जो 4 स्कूल्स है, 4 पंक्तियाँ, वो कागुपा जो कि एक इसमें क्या होता है, ओरल ट्रांसमिशन होते हैं। दूसरा निंगमापा जो कि एक तांत्रिक फॉर्म ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म है, मतलब उसमें क्या होता है कि सीक्रेट प्रैक्टिस, सीक्रेट रिचुअल्स होते हैं। और तीसरा गेलुकपा जिसका प्रमुख दलाई लामा है। तो गेलुक में क्या होता है कि जहाँ पर दे गो फॉर मोर रीजनिंग लेस रिचुअल्स। और चौथा साख्या पर जो कि सूत्र को फॉलो करते हैं। चारों में से साख्या का जो प्रमुख है, आई मीन कैन मैरी ऑल्सो, जब समय आता है तो उसका जो होता है ना, बड़ा बेटा बाप का गद्दी संभालता है। थैंक यू। गलती मारते सर।